हेलो क्लास क्लास आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लास्ट वीडियो में हम नाइन्थ क्लास से जो आपका चैप्टर है टिश्यू, उसकी सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है मेरी वीडियोज में, बस आप कंटेंट में ध्यान दीजिएगा। कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सॉरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मेन जो डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में और सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वो क्या होता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही तरह की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, आप लोग देखिए सेल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सभी सेल के स्ट्रक्चर्स अलग अलग आपको दिखाई दे रही है, डिफरेंट इनकी शेप है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ना। टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं भाई, सेल से। अब सेल कैसी होती है, इसमें वो अलग अलग तरह की होती है, लेकिन क्या कि ये अलग अलग तरह की सेल मिलकर फंक्शन क्या करेंगी, एक ही करेंगी, ठीक है। अलग, जैसे हम स्कूल में हमें प्रोजेक्ट मिलता है अलग अलग बच्चों का, अलग अलग कास्ट से होता है ना, तो डिफरेंट कास्ट के, या क्या कह सकते हैं हम स्कूल में कई बार हमें जैसे अलग अलग क्लास के बच्चे को एक सिंगल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग क्लास के बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है वो मिलकर फंक्शन एक ही परफॉर्म करती हैं। इनको इसीलिए कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी है। सो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो यहाँ प्लांट्स में होते हैं दो, जाइलम एंड फ्लोएम। इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है, कंडक्शन का, ठीक है भाई। ये किस किस का कंडक्शन करते हैं, वाटर का, मिनरल्स का, फूड्स का, इनका ये कंडक्शन करते हैं। इनको वस्क्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों मिलकर वस्क्यूलर बंडल प्रिपेयर करते हैं। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जाइलम की। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम जो है कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्ट करता है वॉटर एंड मिनरल्स भाई थ्रू द रूट्स, ठीक है। अब पता है ना वॉटर तो कौन लेता है, रूट्स के थ्रू ही आता है ना प्लांट्स में, थ्रू द रूट्स ये वॉटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और किसको भाई, जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट के, दैट इज द शूट सिस्टम स्टेम, उसको ये वॉटर एंड मिनरल है वो वहां पे भेजता है, सॉरी। तो यहाँ पे जो जाइलम है वो चार तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज द ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इन चारों में से जो ये थर्ड नंबर वाला है दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा, इसको छोड़ के बाकी तीनों जो होते हैं उन सब में डेड सेल होती हैं। हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले, उनका फंक्शन करते हैं। तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी जो तीनों हैं उनकी सेल डेड होती हैं। अकेला जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा है जिसमें कैसी सेल है, लिविंग। आप इसको याद कैसे रख सकते हो, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा है ना, उसमें हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू था, लिविंग है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो फूड स्टोर कर रहा था। सेम फंक्शन इसका यहीं पे है कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ठीक है, वो कैसा है, लिविंग टिश्यू है यहाँ पे। अब लिविंग है ये क्या करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज ये काम करता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो इस तरीके की होती है, ठीक है। अब जो ट्रैकिड्स है, मेन जो एलिमेंट है किसका, जाइलम का जो मेन एलिमेंट है दैट इज द ट्रैकिड। ट्रैकिड क्योंकि ट्रैकिड्स के थ्रू ही मेनली वाटर एंड मिनरल्स हैं वो अपर पोर्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ट्रैकिड्स के अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, ट्रैकिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इलोंगेटेड होती है। कैसी होंगी, इसकी जो सेल होती है वो इलोंगेटेड होती है, और दोनों एंड पे से इसके जो एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी, जो एंड होंगे वो दोनों पॉइंटेड होते हैं, टैपरिंग एंड होते हैं। अब देखो जब सेल मिलकर टिश्यू बनाती है ना, अब पॉइंटेड एंड है तो जो एक के ऊपर एक तो सेल इस तरीके से आ नहीं सकती, तो ये साथ में मिलकर टिश्यू कैसे बनाती है, ऐसे साइड्स में,
ठीक है। इस तरीके से सेल आपस में ये जुड़ जाती हैं और टिश्यू बनाती हैं। अब इनमें जो पानी है, वॉटर है, उसका ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू कैसे होता है? इसमें देखिए आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पिट्स। इन पिट्स के थ्रू ही यहाँ पे क्या होता है, वॉटर का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे इसके साइड में ऐसे दूसरी इलोंगेटेड इसकी स्ट्रक्चर होगी, ये ट्रैकेट्स इस तरीके से हो गई, और इस तरीके से इन पिट्स के थ्रू यहाँ से क्या है, पानी है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे वॉटर चैनल बन जाते हैं, इस तरीके से पानी अपर मूव करता है। नेक्स्ट है इसमें वेसल्स। अगर वेसल्स की यहाँ पे हम बात करते हैं तो वेसल्स में क्या होता है, ये साइड में देखिए यहाँ पे थिक वॉल होती है किसकी, लिग्निन की। ये तीनों जो है ट्रैकीड वेसल एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जिनके अंदर डेड टिश्यू है, तीनों में जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है। तो लिग्निफाइड क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है, और ये इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, होंगी इलोंगेटेड लेकिन इसमें पॉइंटेड एंड नहीं होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेल हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती हैं, और इनकी सेल के बीच में कोई भी यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पे सिंपल पासिंग होती है फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल। जैसे मेट्रो देखी ना आपने, दिल्ली में मेट्रो चलती है, उसमें क्या होता है, जो ट्रेन है उसका डिब्बा एक डिब्बे से दूसरा वो कनेक्टेड होता है ना, बीच में इसमें पार्टीशन नहीं होता ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे सेल का आपस में पार्टीशन नहीं होता, ये आपस में कनेक्टेड होती है सारी सेल, सीधा वन वे ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे वॉटर का। ये था वेसल्स के बारे में। अब बात करते हैं इसकी, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा सी, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमा वहां पे भी डेड टिश्यू थे, स्टिफ थे, स्ट्रॉन्ग थे, जो बाहर की कवरिंग बना रहे थे, काम क्या था उनका, प्रोटेक्शन का था। इसी तरीके से यहाँ पे भी जाइलम स्क्लेरेनकाइमा जो है उसका काम किस चीज का है, प्लांट को, जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। वो क्या करता है, जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेन फंक्शन जो होता है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा का ये होता है। सी, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हुए भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जाइलम चार तरह की सेल से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से तीन डेड हैं, एक लिविंग है, जो डेड सेल हैं उनमें लिग्निफाइड सेल वॉल है, और इन सब के हमने अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी है, सबके फंक्शंस यहाँ पे हमने पढ़ लिए। देखो यहाँ से ट्रैकेट्स का फंक्शन क्या हुआ, वॉटर कंडक्शन का, वेसल्स का सेम, वॉटर एंड मिनरल कंडक्शन का, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हुआ, फूड को स्टोर करने का, एंड स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या हुआ, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो मेनली जो वॉटर का कंडक्शन होता है थ्रू द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, इनके थ्रू होता है, ठीक। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फ्लोएम के बारे में बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।